गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, देखिए टुडे क्लास सेकंड सब्जेक्ट मिलेगा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट द मून। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड करा था, इसे कंप्लीट करा था क्वेश्चन आंसर तक। अब नेक्स्ट आपकी बुक में इसको फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट वीडियो ये वाली वीडियो है सेकंड वीडियो, इसमें हम आपके बुक्स में जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम फिल करेंगे। आपने बुकों में ही सबको फिल करना है अपनी बुक के द्वारा, यानी आपके जो बुकें हैं उनमें आपको फिल करना है, और जो पहला वर्ग है उसमें करना है आपको नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट है सी साइनिंग अप देयर, एक एग्जांपल दे रखा है, वो कह रहा है सी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शी इज, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है जो यहां पर लिख रखी है इसको शो कर रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म क्या है ये है। इसी प्रकार से इस फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है, तो यहां पर आपके नीचे फुल फॉर्म दे रखी है, आपको इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आप अपनी बुकों में इन्हें फिल कर सकते हैं। फर्स्ट आपका आई है, तो हमें क्या करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आई और यहां पर आ तो मना दिया अपर साइड में, और यहां वी ई, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां आई के ऊपर इस प्रकार से कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे वी ई, इसी के साथ वी, ये आई है की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आई विल, आई विल का आपका आएगा आई विल, आई का होता है यहां पर आई और ये आपका लगा देंगे लिख देंगे आई डबल एल, यहां कॉमा लगा देंगे अपर साइड में, ये आपकी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, किसकी आई विल की। आपको बुकों में देखने मिलता है ऐसे बहुत सारे फॉर्म आती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे कि सी इज है इसका मतलब, तो यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सी इज, जो आपके बुक्स में पोयम में आया है। बट इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो फर्स्ट आपका ये था, ये फॉर्म हो गई आई हैव होता है ये आई यानी इल, इसे आई विल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यू वुड, अब यू वुड को कैसे लिखते हैं, आपको यू वाई ओ यू वाई ओ यू और इसको लिख देंगे डी, यहां पर कोमा लगाने के बाद डी, ये ठीक है स्टूडेंट। यू वाई और यू बोर्ड और यू के अपर साइड में लास्ट में कोमा लगाएंगे लिख देंगे डी। फिर आता है आपका नेक्स्ट दे विल, बिल्कुल इसे ऐसे करेंगे जैसे आई विल को करा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है टी एच सी वाई दे और कोमा लगा देंगे अपर साइड में और डबल एच दे। नेक्स्ट आपका दे विल के आपकी बुक्स में डिड नॉट, डिड नॉट, तो आपको डिड नॉट को क्या करना है, इसमें से ऐसे लिखेंगे डी आई डी और एन, तो एन के बाद आप कोमा लगाएंगे अपर साइड में, ये हो गया इसकी शॉर्ट फॉर्म डिड नॉट, ठीक। नेक्स्ट आपका बुक में दे आर, दे आर, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिर्फ सिंपल सा करना है दे और कोमा लगाने के बाद आर ई ए दे, तो ये क्या हो गया दे आर। अब दे आर ये आपका जो आपके नोटबुक है उसमें हमने फिल कर दिया गया है पेज नंबर 6 पर, ये सारी के सारी आई है, सेकंड है आपका आई विल, थर्ड है यू वुड, फोर्थ है दे विल, फिफ्थ है डिड नॉट और सिक्स है दे आर, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ए पेज नंबर 6 पर है, ठीक, या फिल कर लेंगे अपनी बुक में। अब नेक्स्ट आता है बी, इसी का पेज नंबर 7 पर कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल, अब ये कंप्लीट द टेबल करने हैं तो कंप्लीट द टेबल कैसे करेंगे, अब हम देख रहे हैं कंप्लीट द टेबल करने हैं, लेकिन टेबल दे रखी है इस टेबल को कंप्लीट करना है, यहां पर क्या करना है एक सिंपल सा बटन का स्मॉल, इसमें ई आर और ई एस टी लगाना है, ये डिग्रियां होती है, ये क्या होती है स्टूडेंट डिग्रियां होती है, आप सिर्फ क्या समझो कि इस जो वर्ड दे रखा है यहाँ पर उसमें ई आर लगाना है इस कॉलम में और यहाँ पर ई एस टी लगाना है इन दिस कॉलम, यू अंडरस्टैंड,
यानी स्मॉल में यहाँ ER जुड़ रहा है और यहाँ EST। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जहां पर डबल हो जाता है, जैसे कि सपोज करो हम स्टार्ट से लेते हैं बताएंगे, जैसे SMAL आपके ऊपर लिखा स्मॉल, स्मॉल को यानी छोटा, SMAL छोटा, और स्मॉलेस्ट इसका मीनिंग होता है स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल कुछ छोटा, और स्मॉलेस्ट SMAL EST स्मॉलेस्ट कुछ सबसे छोटा, यानी छोटा कुछ छोटा और सबसे छोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आता बी, ये आपके बुक में दे रखा है, मेंशन कर रखा है, राइट है। अब यहां से करना है आपको बिग, अब बिग का लिखना है आपको अपनी बुकों में, हमने यहाँ राइट कर दिए हैं, तो बिग का होता है बिगर, अब यहाँ पर BIG, तो यहाँ पर BIGG आएगा, BIGGR, बिगर। ठीक है स्टूडेंट, इस कॉलम में ER जोड़ दिया, लेकिन ER जोड़ने से पहले हम जो जी है वो जी कैसे हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, फिर यहाँ पर बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट यानी बिग बड़ा, बिगर कुछ बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हॉट, हॉट मींस गरम, मींस होता है गरम, हॉटर HO, यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां सिंगल टी है, यहां डबल टी आ जाएगा, HOTTER कुछ गरम, हॉटेस्ट HOTTEST हॉटेस्ट मींस सबसे गरम। नेक्स्ट हमारा फैट, फैट मींस मोटा, FATTER फैटर कुछ मोटा, FATTEST फैटेस्ट सबसे मोटा, ठीक सबसे मोटा होते ना कुछ, तो ये अगर उनके लिए आता फैटेस्ट, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक, फिर आता थिन, THIN थिन पतला, THINER थिनर कुछ पतला, THINEST थिनेस्ट बहुत ज्यादा पतले होते हैं, जैसा आप लोगों ने स्टैंड कुछ कहते होते बहुत फैटेस्ट होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ थिनर होते हैं, हर प्रकार के स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी आपको देखने मिलेंगे इस समाज में, सोशल में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, स्टूडेंट्स भी मिलते हैं अपनी क्लास में, थिन भी हैं, फैट भी हैं, नॉर्मल भी हैं, सारे स्टूडेंट हैं, और सारे के सारे कैसे हैं, बहुत ज्यादा डियर स्टूडेंट्स हैं हमारे, स्वीट स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। अब नेक्स्ट आता रिच, इसका मतलब था अमीर, RICHER रिचर कुछ अमीर, RICHEST रिचेस्ट सबसे अमीर, रिचेस्ट सबसे अमीर है भारत में, कौन है अंबानी सबसे अमीर है वो रिचेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्लोज, CLOSE क्लोज, क्लोज का मतलब होता है किसी के करीब होना, कोई चीज के करीब होना, क्लोज है तो उसके आएगा CLOSER क्लोजर कुछ करीब, CLOSEST क्लोजेस्ट सबसे करीब, जैसे कि हम कुछ फ्रेंड होते हैं तो वो क्लोज होते हैं, जैसे क्लासमेट होते हैं कुछ कैसे होते हैं, कुछ करीब होते हैं, थोड़ी सबसे करीब आपका बेस्ट फ्रेंड क्लोजेस्ट होता है आपका, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो ये फिल करें हमने कंप्लीट था देख लिया अपने बुक में फिल करेंगे। सी आता है हमारा चूज द राइट वर्ड एंड राइट दी सेंटेंसेस इन फुल, इन फुल अभी ने फुल करना है सेंटेंस को, फुल करना है इस प्रकार से फुल करेंगे, फर्स्ट है द मून, अब मून का क्या करता है, द मून साइंस फ्लाई ब्लोज, हमें पता है हमने चैप्टर पढ़ा था साइंस चमकता है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा साइंस, यानी कि आपको कौन सा करना है ये वाला करना है। ठीक, द मून साइंस, ऐसे द एयर, एयर क्या करती है फ्लोट्स फ्लोज ब्लोज, यानी क्या करती है फ्लोट्स फ्लोज करती है, चलती है हवा चलती है, तो ये है। अब इसी के आगे है थर्ड, द मून इज ट्राइंगल राउंड स्क्वायर, द मून इज ट्राइंगल राउंड स्क्वायर, तो हमें पता है मून कैसा होता है स्क्वायर होता है, मून कैसा होता है स्क्वायर, यहां पर कैसा है मून कैसा है, क्योंकि मून क्या होता है चेंज होता रहता है, उसका जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट 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 होता रहता है, लेकिन इसका मेन जो साइज होता है वो कैसा होता है बिल्कुल आपका राउंड होता है, कैसा होता है राउंड होता है। ठीक, कैसा होता है राउंड, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा राउंड, द मून इज
राम। नेक्स्ट है तमून इज इन द, तमून इज इन द स्काई रिवर गार्ड, कहां पर होता है मून स्काई में, तो तमून इज इन द स्काई। नेक्स्ट है द रिवर स्विम्स प्राइस फ्लोस, रिवर क्या करते हैं बहते हैं, तो द रिवर फ्लोस, द रिवर फ्लोस। तो ये आपकी बुक में है, आप अपनी बुक में फिल करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके बुक के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।